गाइस वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल मी तनु। सो इस वीडियो में मैं आपको नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि EMRS की तरफ से आई है, एकलव्य मॉडल स्कूल वाला जो है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला है नॉन टीचिंग का, वो है स्टाफ नर्स। सो स्टाफ नर्स में यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट स्टाफ नर्स है आपकी, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें टोटल यहाँ पे वैकेंसी है 740। सो ये ग्रुप सी लेवल की आपकी वैकेंसी और बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको पे करी जाएगी। लेवल 5 के अंडर में आता है ये, वहाँ पे बहुत सारे लेवल्स बनाए गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दीज लेवल, सो ये स्टाफ नर्स की जो आपकी वैकेंसी आती है, पोस्ट आती है, वो आती है लेवल 5 के अंडर, जिसमें कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 29,000 अप्रॉक्स और ये मैक्सिमम आपकी जाएगी 92,000 तक। ठीक है, एज लिमिट का क्या मांगा गया है, 35 इयर्स तक यहाँ पे मांगा गया है और 55 इयर्स जो यहाँ पे फॉर EMRS एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनके लिए रिलैक्सेशन रहेगा। एंड यहाँ पे जो SC ST है, OBC है, उनके लिए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कि इंडियन रूल्स में है 5 साल 3 साल, वो ऑलरेडी आपका बताया जा चुका है। वहाँ पे आप जो भी गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग कैटेगरी का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहेगा। सो क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या रहनी चाहिए, ये यहाँ पे आपका BSc ऑनर्स मांगा गया है नर्सिंग में। ठीक है, स्टाफ नर्स है, नर्सिंग में होना चाहिए BSc, या तो नर्सिंग से होनी चाहिए आपकी। ठीक है, या आपका होना चाहिए पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पे रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड नर्स मिडवाइफ। यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो 2.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम, 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 APUB। ठीक है, यहाँ पे आपका पीरियड ऑफ प्रोबेशन है इफ एनी जो 2 ईयर्स का है, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉलिंग अंडर विच ऑफ द डिपटेशन। तो ये बात है कि आप लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने हर एक नॉन टीचिंग का जितनी भी वैकेंसीज में आई हुई है सबके बारे में बताया हुआ है। सो यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैंने बताया है सारी की सारी पोस्ट का, और यहाँ पे एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या हो सकता है। ओके, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये सारी चीजें आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं अब हम। दूसरी एक बहुत अच्छी वैकेंसी अब क्या आती है, हॉस्टल वार्डन की तरफ से। तो हॉस्टल वार्डन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स यहाँ पे भर सकती हैं, यहाँ पे मेल्स भी भरेंगे, एक मेल एक फीमेल होगा जो भी यहाँ पे स्कूल का रिक्वायरमेंट है। तो टोटल यहाँ पे 1480 है, ये ग्रुप सी लेवल की है और लेवल 5 के अंडर आती है ये। तो इसमें भी आपकी 29,000 से स्टार्टिंग रहेगी, 92,000 तक जाएगी, काफी अच्छी वैकेंसी है। और 35 ईयर्स, वही सेम चीजें यहाँ पे भी है जो कि आपका था यहाँ पे पीछे एज लिमिट थी स्टाफ नर्सिंग वाले की। ठीक है, ये 5 ईयर्स हो सकता है जो EMRS एम्प्लॉयज ऑलरेडी हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो इसके लिए आपका मांगा गया है 4 ईयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, कोई भी यहाँ पे NCERT रीजनल कॉलेज से, NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो भी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस से ही मांगा गया है, बैचलर्स ऑफ डिग्री भी हो सकती है आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो ये भी सेम चीजें हैं और काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी कुछ भी ऐसा नहीं मांगा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि आपका डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाए, यहाँ पे लिखा है 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फेलिंग विच बाय डिपटेशन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपके जितने भी मार्क्स आए होंगे अकॉर्डिंग टू दिस भी हो सकता है, या तो आपका इसके लिए रिटर्न एग्जामिनेशन या आपका स्टाफ नर्सिंग के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे और भी चीजें दी हुई इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डिपटेशन, तो ये सारी चीजें हैं। तो पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस गवर्नमेंट सेमी ऑटोनॉमस से, या पर्सन ऑफ 5 ईयर्स ऑफ सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस पे स्केल लेवल 4। तो ये आपका ये बताया गया कि सैलरी जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस इंक्रीज भी कर सकते हैं, आपकी लेवल 4 में भी जा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरी पोस्ट की तरफ, तो उसका भी एग्जाम पैटर्न और उसकी भी सारी चीजें हम समझेंगे। हम आपका देखते हैं, तो ये है अकाउंटेंट का आपका पोस्ट है EMRS की तरफ से। तो अकाउंटेंट की ग्रुप बी लेवल की है, काफी अच्छी सैलरी इसमें, 35,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, 1 लाख के ऊपर आपकी जाएगी यहाँ पे सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे 30 ईयर्स मांगा गया, 55 ईयर्स जो कि EMRS एम्प्लॉयज है। यहाँ पे आपका नॉर्मल जो कि कॉमर्स की डिग्री, मतलब कि यहाँ पे डिग्री ऑफ कॉमर्स मांगा गया है कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपकी BSc वगैरह की सारी चीजें होनी चाहिए। और भी चीजें हम इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रमोशन। तो प्रमोशन के लिए यहाँ पे सारी चीजें आपकी ऑलरेडी पहले से ही बता दी गई हैं कि आपकी सैलरी का क्या क्या इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रमोशन के बारे में कहा गया है, फ्रॉम अमंग सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स फुलफिलिंग द क्राइटेरिया मेंशन ऑन द कॉलम 7। तो ये सारी चीजें आप रीड कर लीजिएगा, इसके लिए आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि काफी अच्छी आपकी जो है मतलब
मतलब पोस्ट काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे इसके लिए ये एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं, या तो आपका रिटन टेस्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अभी हम लास्ट में एक आपको पूरा का पूरा मैं पूरा सारी चीज़ें इकट्ठे करके बताऊंगी इसका चीज़ क्या चीज़ होगी। तो हम दूसरी वैकेंसी पे जाते हैं जो कि है आपकी रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ द कैटरिंग असिस्टेंट की है। कैटरिंग असिस्टेंट यहाँ पे 25,000 से आपकी सैलरी शुरू होगी और 81,000 तक जाएगी आपकी सैलरी। एज लिमिट वही है। हम इसे मेन देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। आपका मांगा गया है 3 इयर्स ऑफ डिग्री होनी चाहिए इन कैटरिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। या तो आपका होना चाहिए ट्रेड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद अ मिनिमम 10 इयर्स ऑफ सर्विस। तो ये सारी चीज़ें भी मांगी गई। किसी किसी पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है और ये सारी चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी बता दी गई है, तो उस वाले एग्जाम में आपका पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या तो आपका मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे कुछ ऐसी वैकेंसीज भी हैं जिसमें आपका सिलेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी आपके लिए है चौकीदार की वैकेंसी। इसको भी बहुत सारे लोग भर सकते हैं क्योंकि इसका भी सैलरी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट जो भी है यहाँ पे काफ़ी बहुत सारी चीज़ें सैलरी का काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चौकीदार का है 2 पर EMRS, तो यहाँ पे है टोटल 1480 पोस्ट है। ग्रुप सी लेवल की ये है आपकी, अप टू 30 ईयर्स तक मांगा गया और 18,000 स्टार्टिंग सैलरी है। 56,000 अप्रॉक्स यहाँ पे 60,000 तक आपकी लास्ट सैलरी जा सकती है। SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे आपसे बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया जो कि आपका क्लास 10th लेवल का होना चाहिए। और चीज़ें अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मेंशन है कि वेदर एज एंड इफ एनी तो नॉट एप्लीकेबल है एंड 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉलिंग अंडर द डिपुटेशन एंड द डिपुटेशन इज एनालॉगस पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस पासिंग द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज अंडर द कॉलम नंबर 7। तो वो कॉलम नंबर 7 आप रीड कर लीजिएगा अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। तो हम नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं। तो इस पोस्ट का आपको चौकीदार वाले पोस्ट का तो प्रॉपर आपका आपके परसेंट के हिसाब से होगा और एज लिमिट भी देखी जाए क्योंकि बहुत लोग एज लिमिट के बाहर भी रहते हैं, सो उसमें भी बहुत सारे लोग हट जाएंगे, ठीक है। तो उसकी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे है पोस्ट ऑफ कुक जो कि EMRS की तरफ से है। यहाँ पे भी सैलरी आपकी ये ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। 740 इसमें वैकेंसी है। अप टू 35 ईयर्स मांगा गया और 55 ईयर्स फॉर द EMRS एम्प्लॉय। सो नॉन टीचिंग में सारी चीज़ें ये भी है तो कुछ सीट आपकी वही ले लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 19,000 स्टार्टिंग है। 63,000 तक अप्रॉक्स आपकी सैलरी यहाँ जा सकती है। यहाँ पे भी आपसे 10th पास मांगा गया हुआ है जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे जो कि प्रमोशन के बारे में, फ्रॉम मेस हेल्पर ऑफ EMRS और कंसर्न रीजन ऑफिस हैव 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस सब्जेक्ट टू पासिंग स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह आपका हो सकता है, कुछ चीजें देखी जा सकती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आपका मार्क्स वगैरह मांगे गए वो और एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत आपके पास होना चाहिए इस चीज के रिलेटेड। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट हाँ होना चाहिए। इसके लिए आपका कुछ एग्जाम वगैरह हो सकते हैं कि जो आपके वो ओरली भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं या तो आपका कुछ रिटर्न भी ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 10th तक मांगा गया है तो कुछ उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ आपकी आती है काउंसलर की, तो काउंसलर की बहुत अच्छी यहाँ पे सैलरी है जो कि 35,000 से स्टार्टिंग है और 1,00,000 अप्रॉक्स जा सकती है। यहाँ पे 740 आपसे फिर यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे दी गई काउंसलर की और यहाँ पे अप टू 30 इयर्स मांगा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसमें तो आपका प्रॉपर एग्जाम होने वाला है तो इसका तो कुछ वही नहीं है बट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है बट हाँ इसका एग्जाम आपका होगा। नेक्स्ट हम वैकेंसी देखते हैं। नेक्स्ट आपका ड्राइवर का आ जाता है। तो ड्राइवर के लिए यहाँ पे 740 फिर से है। 90,000 आपकी सैलरी स्टार्टिंग है। ये ग्रुप सी लेवल की आपकी पोस्ट है जो कि 63,000 तक लगभग आपकी सैलरी जा सकती है। इसमें यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपसे एक्सपीरियंस बोला गया वो 10th पास तो होना ही चाहिए। यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट ऑफ 3 इयर्स। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की है जिसमें कि यहाँ पे 19,000 आपकी पे स्केल स्टार्टिंग है। 63,000 तक जाएगी आपकी 740 इसमें भी है। सब में लगभग आपकी जो नॉन टीचिंग है 740 सारी चीज की वैकेंसी है आपकी। बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसको कभी आप छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th पास होना चाहिए और यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट और हायर डिग्री इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज भी मांगी गई है जो कि बहुत कम लोगों के पास होता भी है। तो नॉर्मली कोई वहाँ पे नहीं जाके कर सकता है, ऐसा भी नहीं। यहाँ पे एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें देखी जाएंगे और सारी चीज़ों का आपका टेस्ट भी होगा थोड़े दिनों तक। ओके,
गार्डनर की बात करें तो गार्डनर के लिए यहाँ पे 740 है, 18,000 यहाँ से पे स्केल स्टार्ट होगा, 56,000 तक जाएगा, 35 इयर्स अप टू यहाँ पे आपका एज मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन SC ST और OBC के लिए सब में रहता ही रहता है। यहाँ पे 10th पास मांगा गया है। यहाँ पे आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, या तो आपका जैसे कि मैं वही चीज़ कहूँ कि 10th तक आपने पढ़ाई की, इसका मतलब कि आप एजुकेटेड हो, ठीक है, नॉर्मल आपको पढ़ना लिखना आता है, तो 10th लेवल इसीलिए यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है, चाहे वो हिंदी चाहे वो इंग्लिश, एज पर योर चॉइस। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो होने वाली है, बट हम इसको करेंगे अब पार्ट टू में कवर, जो कि आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी और भी बहुत सारी है। सो यहाँ पे पार्ट टू में आपका मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस में कौन सी चीज़ का एग्जाम होगा एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।